नमस्कार दोस्तों, सुरभि जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये सातवां भाग है और मैं अपने चैनल योगा माइंड लाइफ पे आपका स्वागत करता हूँ। आज सुरभि रात को सो गई थी कि सोचते सोचते कि किस तरीके से उसने अपने लक्ष्य को डिसाइड करना था। सुबह पता नहीं क्यों जल्दी उसकी नींद खुल गई। सुबह के 5 ही बजे थे, उसने उठकर पानी पिया और फिर एक बुक लेकर उसके पन्ने पलटने लगी, देखने लगी कि उस बुक में क्या है। दिमाग में रह रहकर फिर वही बात चल रही थी कि कितना मज़ा आएगा जब उसे अपना लक्ष्य मालूम चलेगा और फिर जो मन की बकबक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कि जब वो काम करती है तो मन एक तरीके से अड़चन डालता रहता है, अड़ंगे डालता रहता है, वो सब ख़त्म हो जाएगा और तब क्या होगा, तब यही तो होगा, मन भी वही बात करेगा जो उसका लक्ष्य होगा। क्योंकि मन के साथ ये समझना था कि मन चाहता क्या है। अचानक फिर उसे उस इवेंट की याद आ गई जिसके बारे में वो रात को सोच रही थी, योगा डे वाली इवेंट। तो क्या उसे योगा के बारे में सोचना चाहिए कि योगा में कुछ किया जाए? फिर एक विचार आया कि नहीं नहीं ये उसका लक्ष्य नहीं है। योगा करना उसे पसंद है परंतु इतना भी नहीं कि वो उसमें अपना कैरियर बना ले और वो इस तरीके से टीचर बन जाए या उसमें कुछ करना चाहे। तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा ही अपना लक्ष्य जानने के लिए। बुक अभी उसके हाथ में ही थी, जैसे वो बुक पढ़ रही हो, पर ध्यान कहीं और भटके जा रहा था। सोचते सोचते सुबह के 7 बज गए और उसकी मम्मी ने आवाज़ दी चाय के लिए। वो मम्मी के पास गई और बैठकर चाय पीने लगी, पर उसका मन अभी भी उसके साथ नहीं था। पता नहीं कब उसने चाय का कप ख़त्म कर दिया। वो चुप थी और लगातार सोचे ही जा रही थी, पर हो ये रहा था कि वो अपने विचारों में अपना लक्ष्य ढूंढने की कोशिश कर रही थी और मन जो है तरह तरह की बातों से उसे उलझाए ही जा रहा था, कोई भी सलूशन दे नहीं रहा था। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या नहीं किया जाए, क्या ठीक है क्या गलत है। जॉब तो पक्का नहीं करनी थी, इसमें कोई शक नहीं था। फिर क्या करूं, सुरभि सोच रही थी, ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन में तरक्की हो, जीवन में मजा आने लगे। फिर क्या करूं, सुरभि ये सोच रही थी, बार बार ये विचार मन में चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है और ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन में तरक्की हो, जीवन अच्छा लगने लगे। बात ऐसे सोचते सोचते एक विचार आया कि कुछ सीखना चाहिए। इस तरीके से हाथ पर हाथ धरे रह के भी नहीं बैठा जा सकता। विचार चलते जा रहे थे, सोचती जा रही थी और ये दिमाग में आ रहा था कि कुछ सीखना चाहिए। उसके घर के पास एक गुरुद्वारा था, उसकी आवाज़ अक्सर उसके कानों में पड़ती थी, वहाँ पे जो वाणी चलती थी, अक्सर वो वहाँ पे सेवा के लिए भी चली जाया करती थी, खास तौर पर तब जब उसका मन विचलित होता था। आज भी मन बहुत विचलित था तो उसे अचानक गुरुद्वारे जाने की बात उसके मन में आई। उसने अपने मम्मी से शेयर की ये बात और मम्मी ने कहा कि ठीक है, सुबह का काम ख़त्म करके वो उसके साथ चलेंगी। मन हर किसी का विचलित होता है और जब मन ज़्यादा विचलित होता है तो हर किसी ने मन को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है। कुछ लोग मूवी देखने चले जाते हैं, कुछ दोस्तों के पास चले जाते हैं, कुछ बाज़ार में इधर उधर घूमने चले जाते हैं, कुछ पार्क में, कुछ अपनी मनपसंद का खाना खाने। हर व्यक्ति के पास मन को बहलाने का कुछ ना कुछ तरीका होता है। सुरभि के मन में जब भी विचलन होता था तो उसे गुरुद्वारे की याद आती थी या फिर उसे माँ दुर्गा की आराधना का विचार आता था। वो काम उसने मम्मी के साथ जल्दी से समाप्त करवाया, ख़त्म करवाया और मम्मी के साथ वो गुरुद्वारे निकल पड़ी। गुरुद्वारा ज़्यादा दूर नहीं था, उसके घर के पास ही था, तो इसलिए दोनों पैदल ही वहाँ पे चलने लगी। पता नहीं क्यों उसे सर पर चुन्नी ओढ़कर भगवान की आराधना करना बहुत अच्छा लगता था, सुरभि को अच्छा लगता था। गुरुद्वारे में अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर क्या, गुरुद्वारे का रूल होता है कि सिर पर कपड़ा डाल के उसके अंदर जाना होता है। गुरुद्वारे में जब संगीत की बाणी चल रही होती थी तो उसका मन इतना शांत हो जाता था कि कई देर तक विचार उठते ही नहीं थे। कई बार सर में एक अन्नदायक झंझनाहट भी होती थी और फिर
उसके बाद गुरुद्वारे में जो प्रसाद मिलता था हर हलवे का गर्मा गर्म, बहुत मज़ा आता था उसमें, उसको खाने में। ऐसे ही जिंदगी बस चलती रहे तो बस मज़ा ही आ जाए। विचारों में मग्न सुरभि कब गुरुद्वारे के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। जब हम विचारों में मग्न हो और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो रास्ते का पता ही नहीं चलता, रास्ते में जो अड़चने आती हैं उनका भी पता नहीं चलता। वो घर से लेकर गुरुद्वारे तक पहुंच गई तो रास्ते में इतना ट्रैफिक भी था, आखिर कोई ना कोई शक्ति तो चल रही होगी उसके साथ जो सेव कर रही होगी। जितने ट्रैफिक से बचते हुए वो अपने गंतव्य तक पहुंच गई, जबकि मन उसका कहीं और था। क्या है ये सब, सुरभि इसके बारे में भी सोच रही थी, पर इन सब बातों के का मन के पास कोई भी जवाब नहीं था। मन में सवाल भी उठते थे इन बातों के और मन के पास जवाब भी नहीं होता था। जिंदगी ऐसे ही चलती होगी शायद, सुरभि के मन में एक विचार आया जो उसके मन ने दिया। उसने अच्छे से जो अपनी चुनरी है सिर पे की और गुरुद्वारे के अंदर अपनी मम्मी के साथ चली गई। मन जब सोच सोच के थक जाता है ना तो भी उसे एकाग्र करना आसान हो जाता है, लेकिन एकाग्र करने का तरीका आध्यात्मिक होना चाहिए। गुरुद्वारे में एक खास तरह की ऊर्जा महसूस होती है, उससे मन को एक तरह की शक्ति मिलती है और मन शक्ति से भर जाता है। इस तरह की ऊर्जा हर उस धर्मस्थल पर होती है जहाँ लोग अक्सर आराधना के लिए जाते हैं अपने धर्मानुसार, जैसे चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं। और यदि हम सही तरीके से ऊर्जा का प्रयोग करना सीख लें तो हम जीवन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हर स्थल पर जहाँ पूजा अर्चना होती है एक खास तरह की ऊर्जा होती है, और इसका प्रयोग करने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आप अपने धर्मस्थल पर कुछ देर आराम से बैठें और आँखों को बंद करके ध्यान को अपने सर के ऊपर लेके जाएं। बस ध्यान को यहीं छोड़ दें, ऊर्जा को महसूस करें। थोड़ी देर में ही मन आपका अपने आप शांत होने लगेगा, और यहाँ जितनी देर आप बैठ सकें जरूर बैठें, और अगर कम से कम कहूँ तो 25 से 30 मिनट जरूर से जरूर बैठें, तब ऊर्जा का जो है रूपांतर होना शुरू होता है। सुरभि भी लगभग यही करती थी। ऐसा करने से उसका मन एकदम फ्रेश हो जाता था और नई ऊर्जा से भर जाता था। मन को समझना हो तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है, और धार्मिक स्थल पर जहाँ रोजाना इस तरीके से ध्यान, पूजा अर्चना या धर्मानुसार जो भी कार्य होते हैं उस जगह पर मन को रोकना बहुत आसान होता है, वो जगह फायदा करती है, हेल्प करती है। एक और ख़ास बात कि जब भी जीवन में कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो आप अपने धार्मिक स्थल पर जाएं और इस तरीके से ऊर्जा को ग्रहण करें, और फिर लास्ट में अपने धर्मानुसार प्रेयर करें, प्रार्थना करें, निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलेगा। सुरभि को गुरुद्वारे में बैठे काफ़ी देर हो गई थी, उसका मन जैसे ठहर गया हो उसे ऐसे लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था उसे। 45 मिनट बीत गए थे, सुरभि को पता ही नहीं चला। इसी अनुभव के लिए ही तो सुरभि आई थी गुरुद्वारे में। सुरभि का ध्यान जैसे टूटा उसने अनुभव किया कि उसका मन बिल्कुल शांत था, कोई भी सोच नहीं थी। अभी भी उसका मन उठने को नहीं हो रहा था, पर उसने माँ के साथ लंगर सेवा भी करनी थी और दोपहर तक घर वापस भी पहुँचना था। माँ से आंखें मिली तो उठने का इशारा हुआ, दोनों लंगर घर की तरफ की गई और वहाँ पे दोनों ने सेवा की काफ़ी देर तक, और फिर वहाँ बैठकर वहाँ का प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद सुरभि अपनी मदर के साथ घर वापस चली गई। गुरुद्वारे से वापस चलने से पहले भी एक बार फिर वो गुरुद्वारे के अंदर गई और उसने ईश्वर से अपनी प्रेयर कही कि वो अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढना चाहती थी। इस तरीके से उसका मन जो विचलित हो रहा था कल और रात को सोच सोच के अब एकदम शांत हो गया था, उसके मन में एक तरीके से नई उमंग थी, और अपनी नई उमंग को लेकर और अपनी प्रेयर को कह के वो इस तरीके से अपनी मदर के साथ अपने घर की ओर चलने लगी। मन अब उतनी तेज़ी से नहीं भाग रहा था जितनी तेज़ी से सुबह वो भाग रहा था। अब मन में ठहराव था, मन में प्रसन्नता थी, और जो ऊर्जा वो ग्रहण करके आई थी गुरुद्वारे से वो एक नई ऊर्जा और एक नया उत्साह भर रही थी, और बार बार मन में ये विचार उठ रहा था कि वो जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएगी और जल्द ही अपने लक्ष्य को ढूँढ लेगी, और ये ऊर्जा उसको उसके उत्साह को चार गुना कर रही थी, उसके उत्साह में
बहुत कुछ डाल रही थी, उसके मन को शांत कर रही थी, उसके मन को उमंगों से भर रही थी। आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे सुरभि की कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।